स्पेशल पाव भाजी। स्पेशल पाव भाजी गाइस, देख बटर आ गया। तो अभी लगभग ये कितना प्लेट बनेगा? 10 प्लेट 10 प्लेट 10 से 12। वैसे अपने पास पाव भाजी में कितने टाइप के और वेराइटीज है? पाव भाजी में चीज पाव भाजी है, खड़ा पाव भाजी है, खड़ा पाव भाजी, जैन पाव भाजी भी आता है। अच्छा, जैन वाला भी ऑप्शन है। ये पूरे खाऊ गली में जैन आई गेस आप ही रखते हो कि और भी जगह रखते हो? नहीं, मेरे पास वही जैन, जैन में क्योंकि जैन बहुत स्पेसिफिक होता है और कोल्हापुर में जैन मिलना मतलब बहुत अलग है। वैसे आप पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हो ना? हाँ। ओके, एंड आपको कितना टाइम हो गया ऐसे शॉप को ओपन करके? शॉप का एस्टेब्लिशमेंट 1978 का है। ओके, मतलब पिताजी देखते हैं? पिताजी। ओके, अभी दो सन 2000 से मैं देखता हूँ। अच्छा, 20 साल कम्प्लीट। ओह नाइस, गाइस देख सकते हो ये अपना मस्त वाला स्पेशल वाला पाव भाजी लग रहा है। पनीर वाला भी मिलता है क्या? हाँ, पनीर वाला भी। ओके, ये क्या चटनी? हाँ, अदरक लहसुन पेस्ट। ये होममेड होता है, मतलब सब घर पे बना दिया? सब घर पे, कश्मीरी मिर्च भी रहता है थोड़ा। ओके, ये थोड़ा नेचुरल कलर आता है। अच्छा, कश्मीरी मिर्ची का पेस्ट ही है। अच्छा, मतलब कलर वगैरह ऐसे कुछ ऐड नहीं करते? नमक, नमक तो ये आ गया एकदम। आलू और मटर ना? आलू और मटर। आलू और मटर, इसको बॉईल करके रखना है? हाँ, आलू और मटर बॉईल करके रखना है, बाकी सब मटर ही कच्चा रहता। अच्छा, हाँ, उससे जल्दी भी पक जाएगा ऐसे, जैसे तवे पे हम इसको पकाएंगे। हाँ, हो गया।
वेरी एंड। तो अभी अपना ऑलमोस्ट पाव भाजी रेडी हो गया है। हाँ अभी 5 मिनट लगे। ओके तो इसके बाद वापस से बनता है क्या? हाँ इसके बाद वापस से बनता है पाव भाजी। हाँ बनता है। ओके तो ऐसे दिन में कितना किलो पाव भाजी बनता है कुछ आइडिया? 25 किलो का। ओके और वीकेंड में तो और ज़्यादा होगा? वीकेंड में ज़्यादा रहता है, वीकडेज में उतना ही रहता है एवरेज। ओके आपके ऐसे कोई फ्रेंचाइजी है कि यहीं पर एक है? नहीं यहीं पर एक। ओके ठीक है। करना ही बहुत कठिन हुई है, बहुत हार्ड होता है। हाँ क्या है बाकी मटेरियल कच्चा रहता है इसकी वजह से स्मैश करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ज़्यादा नेट हो जाएगा। हाँ उतना अच्छी तरह से। हाँ जितना ज़्यादा बारीक रहेगा उतना सही होता है। कस्तूरी में गाइस देख सकते हो ये अभी हमारी पाव भाजी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमारा पाव गर्म हो रहा है। पाव के लिए भी इन्होंने अलग से तवा रखा है। पाव भी एकदम बटरी पाव रहेगा। जो नॉर्मल पाव भाजी है वो मतलब पानी का मतलब वो वाटर का बनेगा? सब बटर में ही बनता है। अच्छा सब बटर में ही बनता है, अलग से कुछ नहीं है। मतलब अमूल का बटर यूज़ होता है। ओके सब में। ओह नाइस। गाइस देख सकते हो रियल में अमूल का बटर यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी लोग कोई कोई बटर बोलते हैं बस अमूल का बटर बोल देते हैं। सो गाइस देख सकते हो ये अभी हमारा पाव भाजी रेडी हो चुका है। वाओ ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ये एकदम फुल्ली बटर लोडेड है। तो सर जी इसका प्राइस कितना होता है? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़। ओह वाओ बटर का पाव भाजी और आपको 80 रुपये में मिल रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए। तो सर यहाँ का एड्रेस क्या? खासबाग मैदान खाऊगली। खासबाग मैदान खाऊगली। एंड अपने शॉप का नाम क्या सर? मेरे शॉप का नाम है विक्रांत पाऊगली। एंड टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग दोपहर 3:30 बजे से 10:30 बजे। ओके थैंक यू सर।
डालते हैं।